क्वेश्चन शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट कैपिटल ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज. तो हमें एक सेट दिया गया है कैपिटल ए एंड इट इज सेट ऑफ ऑल बुक्स. ए इज सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी. ओके, अब इसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया गया है आर एंड इट इज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई इफ एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशन है वो कुछ ऐसे है, दो बुक है एक्स एंड वाई एंड नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन वाई. अगर दोनों बुक में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है तो फिर उनका ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो हम आर में लिखेंगे. तो हमें चेक क्या प्रूव करना है, यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है. तो शुरुआत करेंगे हम रिफ्लेक्सिव से. रिफ्लेक्सिव मतलब एक्स का ऑर्डर पेयर इटसेल्फ के साथ. तो एक्स एक्स की ऑर्डर पेयर के लिए हम चेक करते हैं. अब यहाँ पर जो भी कंडीशन लिखी है वो कंडीशन देख लेते हैं. तो कंडीशन के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, दोनों जगह पर एक्स लिख के चेक करना है. तो नंबर ऑफ पेजेस इन बुक एक्स, और राइट साइड में भी हमें क्या लिखना है, तो राइट साइड में भी हमें लिखना है नंबर ऑफ पेजेस इन बुक एक्स. तो अगर आप एक ही बुक की बात कर रहे हैं तो फिर वो तो नंबर ऑफ पेजेस इक्वल ही होंगे, बराबर, इसमें कुछ डिफिकल्ट जैसा है ही नहीं. तो नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स, दिस वन इज ऑलवेज ट्रू, बराबर. ये कोई भी बुक हो उसके लिए हमेशा ट्रू रहेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स के साथ itself, मतलब x के साथ x का जो पेयर है वो तो कैपिटल R में आएगा. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो R है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया. अब बात करते हैं सिमेट्रिक की. तो सिमेट्रिक के लिए हम ऐसा लिखते हैं कि एक ऑर्डर पेयर R में से सिलेक्ट कर लो और फिर उसका फ्लिप चेक करो. तो हमने एक्स वाई बिलोंग्स टू R लिखा. अब एक्स वाई बिलोंग्स टू R लिखा, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन वाई. जितने पेजेस एक्स में है उतने ही पेजेस वाई में है. अब इसी को आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस इन वाई इज सेम एज नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स, बराबर. एक्स में जितने पेज है उतने वाई में पेज है, ऐसा बोलो. या आप ऐसे बोलो कि नंबर ऑफ पेजेस इन वाई इज सेम एज नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर. तो हम फ्लिप करते हैं तो भी कंडीशन ट्रू रहती है. इसका मतलब y एंड x का जो पेयर है वो हम R में लिख सकते हैं, और इसका मतलब क्या हो गया, तो जो रिलेशन है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया है. अब हमें ट्रांजिटिव चेक करना है. ओके, तो फिर ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं. ट्रांजिटिव के लिए हम शुरुआत ऐसे करते हैं, लेट x एंड y का ऑर्डर पेयर R में है, फिर एंड एक नया ऑर्डर पेयर हमें y से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो एंड yz बिलोंग्स टू R, चेक करना पड़ेगा हमें x एंड z का पेयर. तो पहले तो xy बिलोंग्स टू R लिखा, इसका मतलब क्या है, तो xy बिलोंग्स टू R का मतलब है नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन y. ओके, फिर एंड yz belongs to R. तो yz belongs to R का मतलब क्या है, तो yz belongs to R का मतलब है number of pages in y is same as number of pages in z. तो यहां से हमने लिख दिया number of pages in y is same as number of pages in z. तो यहां से ultimately हमें क्या मिला, तो यहां से हमें मिल जाएगा number of pages in x is same as number of pages in z. तो वापस एक बार लिख देते हैं, वैसे ऊपर जो लिखा हुआ है वो भी काफी है, बराबर. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इट्स सेम एज नंबर ऑफ पेजेस इन जेड एंड देयरफॉर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिट. अब जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से आर इज एन
equivalence relation. Okay. Show that the relation R in a set capital A equal to 1, 2, 3, 4, 5 given by R is equal to set of order pair A and B if modulus A minus B is even. Right? So, yahan par jo hamara relation hai, wo define kiya gaya hai on the set capital A containing 1, 2, 3, 4 and 5. Aur jo relation hai, uska definition diya hai kuch set of order pair AB if absolute difference that is modulus of a minus b is even. सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि prove it is an equivalence relation. तो equivalence relation means it is reflexive, symmetric and transitive. तो शुरुआत करते हैं reflexive के लिए. तो reflexive के लिए पहले तो हम ऐसा बोलेंगे कि मान लो एक number है जो कि capital A का member है. फिर A का itself के साथ pair ये हमें check करना है. तो A का itself के साथ pair उसके लिए condition है. तो condition के लिए ये जो condition है इसमें दोनों जगह पर A रख के check कर लेते हैं. तो modulus of A minus A that is zero. और ये जो दोनों का difference आया है zero वो कैसा number है? तो this one is even number. अगर modulus of A minus A even number है तो इसका मतलब ये हुआ कि A का A के साथ जो pair है वो हम R में लिख सकते हैं. और अगर आप R में लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जो relation given है वो एक reflexive relation है. अब बात करते हैं symmetric. तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना होता है? हम एक ऑर्डर पेयर एक्सेप्ट करेंगे. मान लो कि ऑर्डर पेयर ए बी आर में है और इसका फ्लिप हमें चेक करना पड़ेगा कि वो आर में है या नहीं है. तो ए बी बिलोंग्स टू आर लिखा. अब ए बी बिलोंग्स टू आर लिखा इसका मतलब क्या है? तो ए बी बिलोंग्स टू आर लिखा इसका मतलब है मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर. बराबर, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन. अब अगर मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इवन है तो फिर मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस ए वो भी एक इवन नंबर होगा. बराबर, तो मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन, देन मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस ए इज आल्सो सेम नंबर. सो दिस वन इज आल्सो इवन नंबर. और अगर ये इवन नंबर है तो फिर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि बी एंड ए का जो ऑर्डर पेयर है वो भी आर में आएगा. और अगर आर में ये ऑर्डर पेयर है तो इसका मतलब आर जो है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है. तो यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया कि जो आर है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है. अब बात करते हैं नेक्स्ट मतलब की ट्रांजिटिव की. तो ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले हमने लिखा लेट ए एंड बी का जो ऑर्डर पेयर है वो आर में है. फिर हमें नया ऑर्डर पेयर बी से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो लेट बी एंड सी दिस वन इज आल्सो इन आर. अब ए बी बिलोंग्स टू आर इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब है मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन. बराबर, दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो इवन है. साथ में बी सी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस सी इज ऑल्सो इवन. इवन मीन्स वॉट? तो मल्टीपल ऑफ टू. तो अगर हम मॉड्यूलस रिमूव कर देते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा ए माइनस बी इवन मतलब टू इन टू समथिंग. तो टू एम. ओके, यहाँ पर मॉड्यूलस को रिमूव किया है तो हम प्लस और माइनस लिख देते हैं. बराबर, और ऐसे ही बी माइनस सी, मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस सी इवन है तो बी माइनस सी लिख देते हैं प्लस और माइनस 2 into n. अब यहाँ पर a minus b है और इधर b minus c लिखा हुआ है. अगर हम इन दोनों को add कर लेते हैं तो a minus b plus b minus c जो कि हो जाएगा plus or minus 2m plus or minus 2n. तो this one is left side a minus c हो जाएगा और right side में आप plus or minus 2 को अगर common निकाल देंगे तो ये m plus n हो जाएगा. अब यहाँ पर एम एन कहाँ पर होंगे? तो एम एन एन जो है वो वैसे तो लिख सकते हैं हम एम एन बिलोंग्स टू एन यूनियन सिंगलटन जीरो. बराबर, क्योंकि अगर नंबर दोनों सेम हो गए तो फिर मॉड्यूलस जो है वो जीरो देगा, अदरवाइज तो पॉजिटिव नंबर आने वाला है. तो इसलिए एन यूनियन जीरो लिखा है. तो प्लस और माइनस टू एम प्लस एन. अब एम एन एन अगर होल नंबर है तो फिर उनका एडिशन भी क्या हो जाएगा? तो वो होल नंबर ही हो जाएगा. अगर दोनों जीरो हो गए तो भी चलेगा, अदरवाइज m प्लस एन कोई भी एक नेचुरल नंबर हो जाएगा. तो m प्लस एन बिलोंग्स टू n यूनियन सिंगलटन जीरो एंड दैट्स व्हाई वी कैन से ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग्स टू r. तो इसका मतलब हो गया r इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन. बराबर, r इज ट्रांजिटिव रिलेशन.
अब हमने ये देखा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है. तो अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. तो देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो पहला तो उन्होंने बोला था प्रूव इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, वहां तक हम आ चुके हैं. अब आगे शो दैट all the elements of the set 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 and 4. okay, theek hai. to yahan par jo hum relation likha hai uski wapas ek bar definition dekh lete. to ab belongs to r. ab ab belongs to r hai to uske liye condition kya hai? to uska condition hai modulus of a minus b is even. दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो इवन होना चाहिए. अब दो नंबर है ए एंड बी, उनका डिफरेंस इवन कब होगा? तो उसका डिफरेंस इवन होने के लिए क्या होना चाहिए? तो ए एंड बी, ए एंड बी या तो दोनों इवन होने चाहिए. बराबर, ए एंड बी बोथ इवन, या तो दोनों नंबर इवन होने चाहिए या तो फिर हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी दोनों ऑड होने चाहिए, क्योंकि इवन माइनस इवन तो वो इवन होगा एंड ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर तो भी इवन नंबर हो जाएगा. तो ए एंड बी बोथ ऑड. अब जैसे ही हमने ये दो सेंटेंस लिखे उधर से हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. ए एंड बी दोनों या तो इवन होने चाहिए या तो फिर दोनों ऑड होने चाहिए. तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो ए एंड बी है वो दोनों इवन होने चाहिए. दोनों इवन होने चाहिए इसका मतलब या तो 1 2 3 4 5 है तो ए एंड बी ये दोनों नंबर या तो सेट 2 4 से होने चाहिए या तो फिर ए एंड बी ये जो दोनों नंबर है, बराबर यहाँ पर ऑर्डर पेयर छोड़ देते हैं, ए एंड बी लिखते हैं, ए एंड बी दोनों ऑड होने चाहिए. तो ऑड नंबर क्या है? 1 3 and 5. या तो दोनों नंबर 1 3 5 से होने चाहिए या तो फिर दोनों नंबर 2 4 सेट से होने चाहिए. तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी अगर दो नंबर है ए एंड बी वो रिलेशन आर में है तो इसका मतलब या तो वो दोनों इवन होंगे या तो दोनों ऑड होंगे. मींस या तो वो दोनों सेट 2 4 से होंगे या तो सेट 1 3 5 से होंगे. इसी को आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं. तो देयरफॉर एलिमेंट्स of set 2 4, level element of set containing 2 and 4 is related to each other, related to each other and elements of set 1 3 5 is related to each other. या तो वो दोनों नंबर इवन या तो वो दोनों नंबर ऑड होना चाहिए. तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 4 जो सेट है उसके एलिमेंट है वो उनके साथ ऑर्डर पेयर बना सकते हैं. जैसे कि 2 का ऑर्डर पेयर 2 के बन गया, 2 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ बन गया, वो हो सकता है. और अगर नंबर 1 है तो वो या तो 1 के साथ पेयर बनाएगा क्योंकि दोनों नंबर ऑड होने चाहिए. तो या तो 1 के साथ पेयर बनाएगा या 3 के साथ या तो 5 के साथ. और यहाँ पर एक नंबर इवन और दूसरा नंबर ऑड ऐसा ऑर्डर पेयर पॉसिबल नहीं है. बराबर, तो इसलिए जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये काम चल जाएगा. सो वी कैन से हेंस इट इज प्रूव. सो दिस वन इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 8.